ING ज्वेलर्स। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुक्रवार 19 जनवरी को चौथा दिन है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने योगी आदित्यनाथ 19 जनवरी की सुबह अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विंटेज कार से पूरे श्री राम मंदिर परिसर का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात भी की और नेपाली बाबा आश्रम में पूजा अर्चना की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सरयू घाट का दौरा किया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। यहां योगी ने सरयू घाट पर लाइफ जैकेट भी वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी पिछले 11 दिन में तीसरी बार अयोध्या के दौरे पर आए हैं। वहीं आज शाम से अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन बंद हो जाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन मिलेंगे। इससे पहले 18 जनवरी की रात गर्भगृह से रामलला की पहली तस्वीर सामने आई थी। अब रामलला की मूर्ति को सुगंधित जल में रखा जाएगा, फिर अनाज फल और घी में भी रखा जाएगा। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे भारत वर्ष में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को अपने सभी कर्मचारियों के लिए आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को पहले से ही सार्वजनिक अवकाश घोषित हो चुका है। बता दें कि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर शुरू होगा और दोपहर 1 बजे समाप्त होगा।